हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब नाश्ता, वो भी बचे हुए चावल में से। जी हाँ फ्रेंड्स, बचे हुए चावल का बहुत ही टेस्टी और लाजवाब नाश्ता आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो प्लीज़, वीडियो में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बैल घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलो रेसिपी की करते शुरुआत। यहाँ पर मेरे पास ये देखिए आधा किलो के करीब चावल बच चुके हैं, पके हुए चावल आधा किलो है मतलब। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर जार में ऐड करके पहले तो इसको पीस लेना है दरदरा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए इस तरीके से पीस लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पीसेंगे तो अच्छे से ये दरदरा पीसा जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मिक्सर जार को लगातार ना चलाएं, नहीं तो मिक्सर जार भी ख़राब हो सकता है क्योंकि चावल पीसने के बाद थोड़ा चिकना हो जाता है। तो इसको मिक्सर जार को चलाएं, बाद में बंद करें, फिर चलाएं, फिर बंद करें। इसी तरीके से हमें इसको ऑन ऑफ करके मिक्सर जार को चलाना है और बाद में इस तरीके से दरदरा पीस लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक चम्मच साबुत जीरा। चावल के अंदर जीरा का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक चम्मच साबुत जीरा। और एक चम्मच हम ऐड करेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, काला मिर्च पाउडर। और दो चम्मच हमें ऐड करना है अदरक एंड हरी मिर्च का पेस्ट, जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट 2 चम्मच, 2 टीस्पून। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच रेड चिली पाउडर। ये रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं ऐड करना है तो आप मत ऐड करें। अब हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और ये मैंने धनिया पत्ती लिए, इसको मैंने वॉश करके रखा था। धनिया पत्ती आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो, बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। धनिया पत्ती ऐड करने से टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। कोरिएंडर लीव्स, और यहाँ पर मैंने 2 बड़े ऑनियन को बारीक चॉप करके रखा था। ऑनियन से टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है, टेस्टी लगता है ये नाश्ता। अच्छे से मिक्स करेंगे ऑनियन को भी। और एक हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे बारीक चॉप करके, ये शिमला मिर्च ऑप्शनल है। ग्रीन कैप्सिकम आपको अगर नहीं ऐड करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच रवा। रवा से खस्तापन बहुत अच्छा खासा आ जाता है। स्वाद के अनुसार नमक करेंगे ऐड, क्योंकि चावल के अंदर ऑलरेडी नमक था। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 6 से 7 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह पर बेसन ऐड कर सकते हो। और ये है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा आता है, वो ऐड किया है मैंने। बेकिंग सोडा ऐड करने से हमारी वड़ी जो है एकदम जालीदार बनेगी और टेस्टी बनेगी। अच्छे से मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया है और सोडा को भी। अब यहाँ पर मैंने गर्म ऑयल रखा था, इससे पहले मैंने इसके अंदर पकौड़ी फ्राई कर ली थी तो वही तेल बचा हुआ है। तो इसके अंदर हम ये चावल की वड़ी फ्राई कर लेंगे। घर में हमारे कई बार चावल बच जाते, गांव हो या शहर, हर जगह पर चावल बनते ही और बच जाते तो हम सोचते हैं कि चलो अब हम इसको फेंक देते, क्या बनाए। लेकिन आप इस तरीके का नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। आप अगर एक बार ये नाश्ता बनाएंगे तो दूसरी बार चावल ज़्यादा पका लेंगे और इस तरीके का नाश्ता आप ज़रूर बनाएंगे। बेसन की वड़ी पकौड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन ये चावल का नाश्ता आप ज़रूर बनिएगा, बहुत ही टेस्टी वड़ी बनती है। और आप अगर एक बार बना लेंगे तो दूसरी बार भी ज़रूर मन करेगा, जब भी आपके पास चावल एक्स्ट्रा बचेंगे तो आप इस तरीके का नाश्ता दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और मैंने इसको हाई गैस के ऊपर ही पकाया है, स्लो गैस नहीं किया है। और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मैंने इसके अंदर जो बेकिंग सोडा ऐड किया था इसकी वजह से अच्छे से अंदर तक फूली है, बहुत ही जालीदार बनी हुई है। तो सारा जो नाश्ता है हमारा बन के रेडी हो चुका है चावल का, आप देख सकते हो। आप भी खा लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।